समझ लो इंटरफेरेंस पैटर्न में जो फ्रिंजे बनती हैं उन फ्रिंजों की विड्थ क्या होती है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वाला डायग्राम हम एक बार बना लेते हैं। मेनली यहां से डायग्राम हम बनाते हैं जहां पर हम लोग ये डबल स्लिट दे रहे हैं। ये स्लिट S1 होगी, ये स्लिट S2 होगी, ठीक है। और इससे काफी ज्यादा डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखी होती है जहां पे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, ठीक है। होता क्या है, एक वेव यहां से चली और एक वेव यहां से चली, ठीक है। ये जो स्ट्रीट्स हैं ये नए सोर्सेस कवर करेंगे जिससे सेकेंडरी वेवलेट चल करके यहां पे पहुंच रही है और वहां पे इंटरफेरेंस कर रही है, ठीक है, वहां पे व्यतिकरण कर रही है। और व्यतिकरण के बाद जब ये वेव वहां पहुंची होगी, ये तरंगे वहां पहुंची होगी, तो इन दोनों तरंगों में पाथ डिफरेंस होगा, इन दोनों तरंगों में पथांतर होगा, पथांतर की वजह से कलांतर आ जाएगा यानी फेज डिफरेंस आ जाएगा। और हम लोगों ने देखा था कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी थी, जो परिणामी तीव्रता थी, वो कलांतर पे निर्भर करती है, फेज डिफरेंस पे निर्भर करती है। तो जैसे ये दोनों वेव वहां पहुंची होंगी तो उनमें पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस यानी कलांतर से उनकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो अलग अलग पॉइंट पे वैरी करेगी, क्योंकि यहाँ पे कलांतर कुछ और होगा, यहाँ पे फेज डिफरेंस कुछ और होगा। तो एक जनरल एक्सप्रेशन हम तैयार कर रहे हैं कि यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, डीप फ्रिंज बनेगी, उसके लिए क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी, अधिक जो है फ्रिंज बनेगी उसके लिए कंडीशन क्या होगी, उसके बाद हमको निकालना है कि फ्रिंज विड्थ क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई क्या है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते कैसे करेंगे। तो कुछ हम लोगों ने सिंबल्स मान लिए थे, कुछ डिस्टेंसेस को, जैसे अगर डिस्टेंस को हमने डी मान लिया, ये जो दोनों स्लिट है इनके बीच की डिस्टेंस को स्मॉल डी मान लिया, स्मॉल डी बहुत कम होता है और कैपिटल डी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो डिस्टेंस हमने ले रखी है ओ से एक्स डिस्टेंस के किस तरह की फ्रिंज बनेगी वो हमको देखना है कि ब्राइट बनेगी कि डार्क बनेगी, उसके लिए कंडीशन क्या है। तो मेन बात आ रही है कि यहाँ पे जो भी चीज हो रही है वो डिपेंड कर रही है पाथ डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, पाथ डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि पाथ डिफरेंस यानी पथांतर से आ जा रहा है फेज डिफरेंस, ठीक है, यानी पाथ डिफरेंस से आ जाएगा फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस अलग अलग जगह अलग अलग होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी वैरी करेगी। तो कहीं पे हमको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, कहीं पे डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो अब हम लोग इनकी वैल्यू निकालते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना, फेज डिफरेंस कितना। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो अगर हम लोग इधर से परपेंडिकुलर डालें और हम इस वाले पॉइंट को मान ले रहे हैं पी और ये वाले पॉइंट को मान ले रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिएगा, डॉटेड हमने इसको मिला दिया और ये वाला एंगल हमने थीटा मान लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्योंकि ये वाली स्क्रीन बहुत ज्यादा दूर है, तो जब ये बहुत ज्यादा दूर होगी तो ये वाली रेस लगभग पैरेलल लग रही होगी आप, और जब पैरेलल लग रही होगी तो अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल ओके स्टूडेंट्स। अब यहां पे आप दो ट्राइंगल को देखिए, एक ट्राइंगल है एम ओ पी और एक ट्राइंगल है एस वन एस टू ए, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। कैसे हो गए, देखिए दोनों में एंगल थीटा कॉमन और एंगल 90 इसमें भी है, एंगल 90 इसमें, तो ये हो गए सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या हो गए, और सिमिलर ट्राइंगल्स में जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, समरूप त्रिभुज में जो संगत भुजाएं होती है उनका अनुपात बराबर होता है। तो हम लोग संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे, वहां से हम लोग को इक्वेशन लिख करके आ जाएंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो एस टू ए है यही है पथांतर और यही हमको निकालना है, ठीक है। तो हमने दोनों ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो लिखना स्टार्ट किया, तो ये जो ट्राइंगल ये वाली इसमें हमने लिखी एस टू ए, तो ये वाले ट्राइंगल में क्या है, इस वाले ट्राइंगल में एस टू ए, यहां पे आएगी पी ओ इक्वल टू होगा। अब हमने यहां पे ली जो 90 के सामने वाली यानी स्मॉल डी, तो यहां पे जो 90 के सामने तो 90 के सामने ये आ रहा है, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो जितनी एमपी होगी उतनी एमओ हो जाएगी, और एमओ की वैल्यू क्या है,
तो H2A अपॉन PO इक्वल टू D अपॉन D, और PO की बात करें तो वो X है, तो यहां से हमने H2A निकाला तो आया स्मॉल d X अपॉन कैपिटल, यानी ये हो गया पथांतर, यानी ये हो गया पार्ट डिफरेंस। अब हम लोग ने पढ़ा था अगर यहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है, डीप फ्रिंज ये बन रही है, तो ये जो पार्ट डिफरेंस है वो जीरो होता था, लैम्डा होता था, टू लैम्डा होता था, थ्री लैम्डा एंड सो ऑन होता था। तो अगर हम लोग ब्राइट फ्रिंजेस की बात करें तो ब्राइट फ्रिंजेस के केस में जो पार्ट डिफरेंस होगा यानी जो एस टू ए होगा वो एम लैम्डा के बराबर होगा, और एम की वैल्यू जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री, ठीक है सर। तो एस टू ए की वैल्यू रखी, एस टू ए है डी एक्स अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू एम लैम्डा, तो यहां से आ जाएगा एक्स इक्वल टू एम कैपिटल डी लैम्डा अपॉन। तो ये आ गई कि किसी ब्राइट फ्रिंज के अगर आपको पोजीशन निकालनी है, जैसे हम बोले पहली ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी तो एम की जगह वन रख देंगे, दूसरी ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी एम की जगह टू रख देंगे। अच्छा सेंटर पे यहां ओ पे कैसे बन रही है, यहां से जो दोनों वेव पहुंचेगी उनमें कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होगा, यदि पार्ट डिफरेंस जीरो होगा तो यहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है, और इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या सेंट्रल मैक्सिमा, यहां पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है ये आया है ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, अगर हम यही एक्सप्रेशन डार्क फ्रिंजेस के लिए देखें तो देखिए क्या होगा, तो चलिए यही एक्सप्रेशन हम लोग जो है डार्क फ्रिंजेस के लिए बनाते हैं। अब देखिए अगर यही डार्क फ्रिंजेस की बात करें तो देखिए डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या होगा, तो हम लोग डार्क फ्रिंजेस की बात कर रहे हैं ये जो पार्ट डिफरेंस होगा ये या आपको याद है डार्क फ्रिंजेस के लिए लैम्डा बाई टू, थ्री लैम्डा बाई टू, फाइव लैम्डा बाई टू, सेवन लैम्डा बाई टू, यानी और लैम्डा बाई टू होता है यानी टू एम माइनस वन लैम्डा बाई टू। अब ध्यान रखिएगा यहां एम की वैल्यू आप क्या रखोगे, एम की वैल्यू वन रख सकते हो, टू रख सकते हो, थ्री रख सकते हो, ठीक है सर। तो अब यहां पे जब आप इक्वल करोगे तो डी एक्स अपॉन कैपिटल इक्वल टू हो जाएगा टू एम माइनस वन लैम्डा अपॉन, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू एम माइनस वन कैपिटल डी लैम्डा अपॉन टू स्मॉल। तो ये आगे अगर डार्क फ्रिंजेस की हम लोग बात करें तो डार्क फ्रिंज की पोजीशन कैसे निकालेंगे वो हम लोग इस वाली फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। जैसे बोला जाए फर्स्ट डार्क फ्रिंज काम लेंगे सेकेंड काम लिख कर। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ब्राइट फ्रिंज है या डार्क फ्रिंज है उसकी वेव कितनी, तो हम लोग इसको क्या करते हैं ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज दोनों की वेव सेम होगी तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं ब्राइट फ्रिंज क्या हो गई डार्क की हो जाएगी। तो ब्राइट फ्रिंज की वेव कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। तो वेव निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कोई दो कॉन्सिक्यूटिव वेव ले लेते हैं, कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज ले लेते हैं, जैसे m नंबर वाली जो ब्राइट फ्रिंज होगी और जो m प्लस वन यानी लगातार आने वाली दो ब्राइट फ्रिंजेस की अगर हम लोग पोजीशन निकालना चाहे तो देखिए अभी हम लोग ने ब्राइट बना जो है ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला बनाया था जो है x का तो बना था m लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल, ये फॉर्मूला बना था ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो अगर आप m वाले का लिखें तो बनेगा m लैम्डा डी अपॉन स्मॉल, और एम प्लस वन वाले के लिए तो एम प्लस वन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल। तो अगर हम लोग विड्थ की बात करें कि विड्थ कितनी है तो ये वाली वैल्यू में अगर हम लोग ये वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो विड्थ आ जाएगी, और जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिखाएगी लैम्डा डी अपॉन स्मॉल, यानी जो फ्रिंज विड्थ हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी लैम्डा, फ्रिंज विड्थ आ जाएगी लैम्डा डी अपॉन स्मॉल। ओके स्टूडेंट्स इन दोनों को जैसे आप मैच करोगे तो एम लैम्डा डी अपॉन डी कैंसिल हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, तो ये स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगी फ्रिंज। अगर एक एंगुलर विड्थ निकालनी है तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है डी हट जाएगा, तो एंगुलर विड्थ जो आएगी वो आ जाएगी लैम्डा अपॉन स्मॉल, यानी जो एंगुलर विड्थ होती है वो डी पे डिपेंड नहीं करती है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी स्क्रीन
कितनी दूर तक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था फ्रिंज विड्थ, एंगुलर विड्थ भी निकाली हम लोगों ने, और हम लोग ने फॉर्मूले बनाए कि कैसे हम लोग एक्सप्रेशन तैयार करेंगे कि यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी और यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी। आपको अच्छी सी चीज समझ आ गई होगी। तो ये आपका था फ्रिंज विड्थ का पूरा कंसेप्ट, आपको क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू अ लॉट।